IBN 7 Horsefly. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आईबीएन 7 पर। मैं हूं आपके साथ किति बहल। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन सारा देश 100 खबरें। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा शो जिसमें होंगी देश भर की 100 बड़ी खबरें। तो कुछ ही मिनटों में जान लीजिए देश दुनिया का हाल। शुरुआत करते हैं सारा देश 100 खबरें। दिल्ली वालों के लिए आज सड़कों पर दिक्कत हो सकती है। आज गणतंत्र दिवस के लिए हो रही फुल ड्रेस रिहर्सल के चलते कई रास्तों में बदलाव किए गए हैं। फुल ड्रेस रिहर्सल सुबह 9:50 पर शुरू होगी। ये परेड विजय चौक, राजपथ, इंडिया गेट, तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग होते हुए लाल किले तक जाएगी। फुल ड्रेस रिहर्सल के लिए विजय चौक से राजपथ तक का रास्ता सुबह 5 से दोपहर 12:30 तक बंद रहेगा। केंद्र सचिवालय और उद्योग भवन के मेट्रो स्टेशन दोपहर 12 तक बंद रहेंगे। ड्रेस रिहर्सल के रूट को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी दिल्ली की आम जनता को 12 तक इन रास्तों का इस्तेमाल न करने की सलाह दी है। इस साल 2 राजनेताओं को भी पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। पद्म पुरस्कारों की संभावित सूची में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को पद्म सम्मान दिया जा सकता है। बाबा रामदेव और श्री रविशंकर को भी पद्म पुरस्कार मिल सकता है। खेल जगत की दिग्गज हस्तियों में से हॉकी टीम के कप्तान सरदारा सिंह, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी संधु और कुश्ती खिलाड़ी सुशील कुमार को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जा सकता है। फिल्म और गीत संगीत से जुड़ी कई हस्तियों को भी पद्म सम्मान से नवाजा जा सकता है। अभिनेता दिलीप कुमार, रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, निर्देशक संजय लीला भंसाली, सलीम खान और प्रसून जोशी को भी पद्म पुरस्कारों की रेस में देखा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल आज सुबह 11 दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय की शिकायत के बाद भेजे गए चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब देंगे। इससे पहले पिछली तारीख को केजरीवाल ने चुनाव आयोग को जवाब देने के लिए 2 का वक्त मांगा था। केजरीवाल ने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष पर आरोप लगाया था कि उनकी बिजली कंपनियों से सांठगांठ है और उनकी कंपनी ने दिल्ली में तेज चलने वाले मीटर लगाए हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने खुद पर बेबुनियाद आरोप लगाए जाने को लेकर केजरीवाल के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस ने शिकायत की है कि उन्होंने अपने आपराधिक केस की जानकारी नामांकन में छुपाई है। कांग्रेस नेता किरण वालिया ने नामांकन खारिज करने की मांग की, लेकिन जांच के बाद एसडीएम ने ऐसा करने से इंकार कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह दिल्ली बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी ने भी लोगों से रेडियो के जरिए जुड़ने की बात कही है। किरण बेदी ने कहा कि वो महीने में एक बार दिल्ली की जनता से रेडियो के जरिए जुड़ेंगी। बेदी ने कहा, पीएम मोदी मन की बात करेंगे और दिल्ली के सीएम दिल की बात करेंगी और इसके जरिए वो हर महीने दिल्ली का रिपोर्ट कार्ड भी रेडियो पर बताएंगी। गुरुवार को किरण बेदी ने कृष्णानगर विधानसभा क्षेत्र में धुआंधार चुनाव प्रचार किया। बेदी ने यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय के साथ बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपनी चुनावी सभाओं के दौरान किरण बेदी ने महिला सुरक्षा सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर लोगों और कार्यकर्ताओं से बात की। इन सभाओं और मीटिंग्स में किरण ने कहा, उन्हें 40 का प्रशासनिक और 26 के समाज सेवा का अनुभव है। दिल्ली कांग्रेस की नेता बरखा सिंह ने बीजेपी के सीएम उम्मीदवार किरण बेदी की जमकर तारीफ की है। आईबीएन 7 के कार्यक्रम मुद्दा में बरखा ने कहा कि किरण बेदी एक अच्छी महिला है और वो जब भी बुलाएंगी मैं जरूर जाऊंगी। बरखा के इस बयान का कार्यक्रम में शामिल बीजेपी नेता संबित पात्रा ने भी स्वागत किया है। लगे हाथ संबित ने बरखा को पार्टी में शामिल होने का न्योता भी दे दिया, हालांकि बरखा ने इसे हंसकर टाल दिया। बीजेपी के सीएम उम्मीदवार किरण बेदी ने तारीफ करने के लिए शांति भूषण का शुक्रिया अदा किया। आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य शांति भूषण ने बेदी की तारीफ की थी। आम आदमी पार्टी ने शांति भूषण के बयान को निजी बताते हुए उससे असहमति जताई है। पार्टी के कड़े रुख के बाद कांग्रेस नेता जनार्दन द्विवेदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने वाले बयान से पलट गए। जनार्दन द्विवेदी ने कहा, उन्होंने कभी पीएम मोदी को भारतीयता का प्रतीक नहीं बताया। इससे पहले कांग्रेस नेता अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनार्दन द्विवेदी के उस बयान पर कड़ा रुख दिखाया था जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की जीत को भारतीयता की जीत बताया था। बीजेपी ने जनार्दन द्विवेदी के बयान का स्वागत किया है। यूपी में आज होने जा रहा विधान परिषद का चुनाव दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। जरूरी वोट न होने के बावजूद विधान परिषद की 2 पर मुकाबले में उतरी बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप लग रहे हैं। बीजेपी की सारी उम्मीदें क्रॉस वोटिंग पर टिक गई हैं, तो वहीं बाकी दल अपने अपने विधायकों को सहेजने में जुटे हुए हैं। 12 सीटों के लिए 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी के पास 41 विधायकों के वोट हैं जबकि बीजेपी ने 2 उम्मीदवार खड़े किए हैं।
समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने अपनी सरकार के मंत्रियों को जमकर डांट लगाई है। पार्टी विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में मुलायम ने कहा कि कुछ मंत्री सिर्फ पैसा कमाने में जुटे हुए हैं। मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा चुनावों में मिली हार के लिए भी मंत्रियों को जिम्मेदार ठहराया। उधर लखनऊ में मुलायम के बाद सीएम अखिलेश ने भी कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि कुछ लोग गड़बड़ी कर रहे हैं और उन पर कार्रवाई हो सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी खुलकर नीतीश के विरोध में उतर आए हैं। बांका की एक जनसभा में पहुंचे मांझी ने बिना नाम लिए कहा कि सरकार में 80% पैसे की लूट हो रही थी, जिसे उन्होंने रोक दिया। जीतनराम मांझी ने दावा किया कि उन्होंने नीतीश कुमार से बेहतर काम किया है। नीतीश अपने शासन में बजट का पैसा खर्च नहीं कर पा रहे थे। बता दें कि हाल ही में मांझी और नीतीश के रिश्तों में खटास बढ़ती देखी गई है। बंगाल में कमल खिलाने के लिए बीजेपी पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली को अपना चेहरा बनाने की तैयारी में है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक क्रिकेटर सौरभ गांगुली बीजेपी नेताओं के संपर्क में है। भोपाल नगर निगम के चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा फीकी पड़ गई। रात करीब 10:45 शिवराज सिंह एक सभा में पहुंचे, लेकिन आचार संहिता की वजह से लाउडस्पीकर बंद करना पड़ा। शिवराज सिंह ने सभा में मौजूद लोगों से भोपाल के विकास के लिए, भोपाल को डिजिटल शहर और ग्लोबल सिटी बनाने के लिए बीजेपी के महापौर प्रत्याशी आलोक शर्मा को जिताने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत में लड़कियों को बचाने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की। माधुरी दीक्षित को इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अपनी बीमार मां को अस्पताल में छोड़ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में हिस्सा लेने पानीपत पहुंची माधुरी दीक्षित की प्रधानमंत्री ने जमकर तारीफ की। इस मौके पर माधुरी दीक्षित ने कहा कि अगर बेटियां नहीं होंगी तो कल्पना चावला, लता मंगेशकर और आशा भोसले कैसे आएंगी। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा है कि वो लोकसभा को पेपरलेस करने की कोशिश कर रही हैं, जिससे सांसदों को बहुत अधिक कागजों के बजाय सीधा लैपटॉप के जरिए ही सारी सामग्री मिल सके। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के ताज दौरे को लेकर सुरक्षा एजेंसियां कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। आज उनकी यात्रा के मद्देनजर फुल प्रूफ रिहर्सल होगी। एयरपोर्ट से लेकर ताज तक होने वाली रिहर्सल में अमेरिकी एडवांस टीम के साथ पुलिस प्रशासन के अफसर भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति ओबामा 27 जनवरी को दोपहर बाद ताज का दीदार करेंगे। इसके चलते अमरीकी सेनाओं की तरफ से यहां पर एडवांस टीम भेजी गई है, जो कि पूरे हालात का जायजा ले रही है। शुक्रवार को ताज बंद रहने से अमरीकी सुरक्षा एजेंसियां रिहर्सल करेंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत दौरे के दौरान पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI हमले की साजिश रच रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ISI की मदद से लश्कर के आतंकी भारत में फिदायीन हमले की साजिश रच रहे हैं। इन आतंकियों के निशाने पर भारत के 4 बड़े शहर हैं और ये 28 जनवरी से पहले किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग में हैं। खुफिया एजेंसियों ने महाराष्ट्र और खासतौर पर मुंबई पुलिस को अलर्ट पर रखा है। मुंबई खासतौर पर आतंकियों के निशाने पर है। खुफिया सूचना के मुताबिक आतंकी सिद्धि विनायक मंदिर को मंगलवार के दिन निशाना बना सकते हैं। दिल्ली के किसी होटल की लॉबी में विस्फोट भी आतंकियों की साजिश में शामिल है। इस बार गणतंत्र दिवस की झांकी में प्रधानमंत्री मोदी के सपनों के भारत की झलक दिखाई देगी। प्रधानमंत्री मोदी के सपनों के भारत की ये झांकी पूरी दुनिया में देखी जाएगी। इस बार 20 के बजाय 25 झांकियां होंगी। 1500 कलाकारों ने दिन रात एक करके झांकी के लिए तैयारी की है। इनमें से चुने गए 84 कलाकारों को 24 जनवरी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलाया जाएगा। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट वाराणसी से बनारसी साड़ियों का खास कलेक्शन मंगाया जा रहा है। ये बनारसी साड़ियां पीएम मोदी के खास फरमाइश पर केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय मंगवा रहा है। इस खास कलेक्शन में प्योर सिल्क की साड़ियां, जिसमें असली जरी का काम किया गया है। सोने और चांदी के तारों से बनी जरी साड़ियों की खूबसूरती को और भी बढ़ा रही है। बनारस के बुनकरों ने कई महीनों की मेहनत से ये खास साड़ियां तैयार की हैं। अमरीका के दबाव में पाकिस्तान ने आतंकवादी संगठन जमात उद दावा और हक्कानी नेटवर्क पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमरीका ने इन संगठनों पर पाबंदी लगाने की मांग की थी। इसके अलावा पाकिस्तान ने 10 और संगठनों पर भी प्रतिबंध लगाया। बता दें मुंबई में 2008 में हुए आतंकी हमले को जमात उद दावा के मुखिया हाफिज सईद ने अंजाम दिलाया था। गुजरात में स्वाइन फ्लू का कहर बढ़ता ही जा रहा है। राज्य में स्वाइन फ्लू के चलते पिछले 20 दिनों के अंदर अंदर 10 मरीजों की मौत हो चुकी है। जामनगर और कच्छ में स्वाइन फ्लू के अब तक 4-4 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा अहमदाबाद और सूरत में भी स्वाइन फ्लू से एक एक मरीजों की जान चली गई। उधर पंजाब के अमृतसर में 55 साल के बुजुर्ग और राजस्थान के जोधपुर में एक महिला की स्वाइन फ्लू से मौत हो गई है। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में दौसा से आए स्वाइन फ्लू के एक मरीज की मौत हो गई। जयपुर गुरुवार को
स्वाइन फ्लू के दो और मरीज सामने आए हैं। कोटा में भी एक मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है, उसे जयपुर रेफर किया गया है। पहाड़ों पर हो रही भारी बर्फबारी ने पहले ही ठंड की मार झेल रहे लोगों की परेशानियों में इजाफा कर दिया है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बुधवार रात से ही जारी बर्फबारी के चलते तापमान में भारी गिरावट आई है। बर्फ गिरने के चलते श्रीनगर जम्मू हाईवे को बंद करना पड़ा, जिसके चलते सैकड़ों वाहन फंस गए। वहीं घाटी के मैदानी इलाकों में बारिश भी हो रही है। उधर हिमाचल प्रदेश के केलांग में भी जमकर बर्फबारी हुई है। तिहाड़ जेल के वार्डन के 8 साल के अगवा बच्चे को दिल्ली पुलिस ने छुड़ा लिया है। उसे दिल्ली के छावला इलाके से अगवा किया गया था। 8 साल के निखिल को पुलिस ने नजफगढ़ इलाके के एक घर से बरामद किया। 18 जनवरी को बच्चे को किडनैप कर लिया गया था, जिसके बाद उसके पिता से 25 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। पुलिस ने 3 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। पटना में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने एयरपोर्ट रेस्टोरेंट में बरती जा रही लापरवाही का खुलासा किया है। पटना एयरपोर्ट पर बिना लाइसेंस चल रहे रेस्टोरेंट में छापेमारी में कई कॉकरोच मिले थे। हाथरस में एक जेई को रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ पकड़ लिया। इस जेई के खिलाफ भ्रष्टाचार की धारा के तहत कार्रवाई की जा रही है। हरदा सहकारी बैंक में करोड़ों रुपए के घोटाले का सामने आया है। हरदा जिला सहकारी बैंक के लॉकर से 2,77,00,000 रुपए गायब हो गए हैं। बैंक मैनेजर और कैशियर को निलंबित कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। नशीले पदार्थ के खिलाफ मुहिम के तहत पुलिस ने पहले से पकड़े गए एक नाइजीरियन युवक से पूछताछ के बाद दिल्ली से एक और नाइजीरियन युवक को गिरफ्तार किया। इस शख्स को 13 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिहार के खगड़िया में एक बुजुर्ग महिला को डायन बताकर कुल्हाड़ी से काटकर उसकी हत्या कर दी गई है। पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। निजी क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री पूंजी के लिए विदेशी निवेशकों को 10 साल के बॉन्ड बेचेगी। एक खबर के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्री इस बॉन्ड के जरिए करीब 10 अरब डॉलर इकट्ठा करेगी। खबरों के मुताबिक हांगकांग, सिंगापुर, लंदन और न्यूयॉर्क के निवेशकों ने कंपनी के 10 साल के बॉन्ड के लिए बोली लगाई है। रिलायंस का यह बॉन्ड करीब 1 साल के बाद आ रहा है। निवेशकों की इस बॉन्ड में दिलचस्पी इसलिए है क्योंकि अमेरिकी बॉन्ड के मुकाबले ये ज्यादा आकर्षक है। इस बॉन्ड से रिलायंस को सस्ती दर पर पैसा मुहैया होगा। आगरा में एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस घटना में 3 डॉक्टरों की मौत हो गई जबकि 3 बुरी तरह से घायल हैं। फिरोजाबाद की तरफ से कॉलेज लौट रहे मेडिकल छात्रों की गाड़ी के साथ ये हादसा हुआ। गुजरात के छोटा उदयपुर में कुएं में एक तेंदुआ गिर गया। गांव वालों ने कुएं में रस्सी के सहारे चारपाई लटकाकर तेंदुए को उस पर चढ़ा दिया। रात गहराने पर तेंदुआ खुद 15 फीट ऊंचे कुएं की दीवार लांघकर जंगल में गायब हो गया। राजस्थान विश्वविद्यालय 18 लाख पेंडिंग डिग्रियां 15 मई तक विद्यार्थियों को सौंप देगा। साल 1990 से 2014 तक की सभी बकाया डिग्रियों को तैयार करने के काम शुरू हो चुके हैं। ये डिग्रियां पहले वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रकाशित की जाएंगी। झारखंड के डीजीपी राजीव कुमार ने खूंटी जिले के नक्सल प्रभावित इलाकों का दौरा किया। डीजीपी ने बीहट जंगलों में करीब 3 घंटे तक बाइक पर सवार होकर पूरे इलाके का मुआयना किया। वाराणसी के अस्सी घाट पर काशी के संतों ने एक खास यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में अमेरिका और भारत के प्रगाढ़ रिश्तों और विश्व शांति के लिए प्रार्थना की गई। सऊदी अरब के किंग अब्दुल्ला की मौत हो गई है। किंग अब्दुल्ला 90 साल के थे और उन्हें दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में एक माना जाता था। किंग अब्दुल्ला मक्का मदीना के संरक्षक भी थे। अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में सऊदी अरब की 25% हिस्सेदारी है, जिस पर पूरा नियंत्रण किंग अब्दुल्ला का ही था। किंग अब्दुल्ला की मौत के बाद सलमान अगले बादशाह बनाए गए हैं। और वहीं 26 जनवरी को हम अपना 66वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस मौके पर पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगा नजर आएगा। अब आपके पास मौका है तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी और वीडियो दिखाने का। बिल्कुल, तो IBN7 आपको ये मौका दे रहा है। आप गणतंत्र दिवस की तस्वीरें पूरे देश को दिखा सकते हैं, हमें जरूर ये व्हाट्सएप करें। गणतंत्र दिवस पर अपने आसपास तिरंगा फहराने की तस्वीरें, वीडियो और सेल्फी हमें भेजें। व्हाट्सएप पर हमें भेजे तस्वीरें, हमारा नंबर है 8800661555। फेसबुक पर तस्वीरें facebook.com/IBN7 पर पोस्ट करें, हमारा हैशटैग है मेरा तिरंगा। हमें तस्वीरें ट्वीट करें @IBNखबर पर, हमारा हैशटैग है मेरा तिरंगा। बेहतरीन तस्वीरों का कोलाज IBNखबर.com पर दिखाया जाएगा। IBN7 पर भी तस्वीरें दिखाई जा सकती हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप हैं किटी और तेजस्वी के साथ, देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आईपीएल फिक्सिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 130 पन्ने का फैसला सुनाते हुए कहा कि एंट्री निवासन बोर्ड के अगला चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। कोर्ट ने कहा अगले 6 हफ्ते में बोर्ड नए चुनाव कराए और इसमें हितों का टकराव वाले किसी भी सदस्य को हिस्सा न लेने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुरुनाथ मैयप्पन और राज कुंद्रा अपनी आईपीएल टीम के अधिकारी थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि एन श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मैयप्पन और राजस्थान रॉयल्स के मालिक राज कुंद्रा सट्टेबाजी में शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के भविष्य पर भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। क्या ये दोनों टीमें अगले सीजन में भाग लेंगी, ये बड़ा सवाल बन गया है। बीसीसीआई के पदाधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर चुप्पी साधे रखी। हालांकि बीसीसीआई अधिकारियों ने इतना स्पष्ट किया है कि केवल श्रीनिवासन ही अपने भविष्य को लेकर फैसला करेंगे। पूर्व बीसीसीआई और एमसीए के वर्तमान अध्यक्ष शरद पवार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो बहुत खुश हैं कि श्रीनिवासन बीसीसीआई से बाहर हुए। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहा कि वो जो हमेशा से बीसीसीआई और श्रीनिवासन के बारे में कहते आ रहे थे, आखिरकार सब सही साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच ट्राई सीरीज के चौथे मैच में आज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आपस में टकराएंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार सुबह 8:50 से होबार्ट के मैदान पर खेला जाएगा। न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच चल रही 7 मैचों की वनडे सीरीज का 5वां मैच शुक्रवार को खेला जा रहा है। फिलहाल न्यूजीलैंड सीरीज में 2-1 से आगे है। वहीं न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज एडम मिलने के चोट के कारण 5वें और 6ठे वनडे से टीम से बाहर हो गए। 7वें वनडे के लिए मिलने टीम में वापसी कर सकते हैं। पूर्व ऑस्ट्रेलिया तेज गेंदबाज ब्रेटली ने वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही सभी टीमों को ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक पेस अटैक से सावधान रहने को कहा है। ब्रेटली ने कहा कि इस बार मिशेल जॉनसन, मिशेल स्टार्क, पैट कमिंस और जोश हेजलवुड के सबको सावधान रहना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से उनके ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज के बॉलिंग एक्शन को वर्ल्ड कप से पहले जांच करने के लिए औपचारिक आग्रह किया है। वर्ल्ड बैडमिंटन के ताजा रैंकिंग में साइना नेहवाल 4थे से 3रे नंबर पर पहुंच गई हैं, जबकि पीवी सिंधु टॉप 10 में एक बार फिर से आ गई हैं। संधु अभी 9वें पायदान पर हैं। पुरुष वर्ग में के श्रीकांत 4थे से 5वें स्थान पर फिसल गए हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला वर्ग की शीर्ष वरीय खिलाड़ी सेरेना विलियम्स एक कड़े मुकाबले में जीत दर्ज कर 3रे दौर में पहुंच गई हैं। सेरेना ने रूस की वेरा अबोनारेवा को 7-5, 6-0 से हरा दिया और अगले दौर में जगह बनाई। वहीं दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच भी ऑस्ट्रेलियन ओपन के 3रे दौर में पहुंच गए हैं। दूसरे दौर में जोकोविच का मुकाबला रूस के एंड्रे कुज़नेत्सोव से था, जिसे उन्होंने आसानी से जीत लिया। 1.5 घंटे तक चले इस मुकाबले में जोकोविच ने 6-0, 6-1, 6-4 से जीत दर्ज की। भारत के रोहन बोपन्ना और उनके कनाडियाई साथी डेनियल नेस्टर ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष डबल्स के 2रे दौर में पहुंच गए हैं, लेकिन महेश भूपति और उनके ऑस्ट्रेलियाई साथी जुगेन मेजर को अर्जेंटीना के डियागो स्पोर्टमोन और होरासियो जेबालोस के हाथों 4-6, 3-6 से हार मिली। अक्षय कुमार की फिल्म बेबी आज रिलीज हो रही है। वेडनेसडे और स्पेशल 26 जैसी फिल्म बनाने वाले निर्देशक नीरज पांडे ने फिल्म बेबी में आतंकवाद का मुद्दा उठाया है। इस साल आई फ्लॉप फिल्मों के बीच बेबी से काफी उम्मीदें हैं। नीरज पांडे की फिल्म बेबी के अलावा आज अरबाज खान के बैनर तले बनी फिल्म डॉली की डोली भी पर्दे पर अपनी किस्मत आजमाएगी। फिल्म में सोनम कपूर मुख्य किरदार में हैं। आपको बता दें ये फिल्म एक लुटेरी दुल्हन की कहानी है। दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे पर बनी फिल्म बालकड़ू का कल मुंबई में प्रीमियर किया गया। इस मौके पर शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और शिवसेना सांसद संजय राउत मौजूद थे। आज बाल ठाकरे का जन्मदिन है और आज ही फिल्म रिलीज हो रही है। फिल्म बजरंगी भाईजान की शूटिंग खत्म होने से पहले सलमान और कबीर के बीच तकरार बढ़ चुका है। बताया जा रहा है कबीर खान ने सलमान को बिना बताए फिल्म के कई सीन डिलीट कर दिए और इसकी वजह से सलमान नाराज हैं। सीन डिलीट करने को लेकर सलमान और कबीर खान के बीच जोरदार बहस भी हुई। आपको बता दें कि इससे पहले एक था टाइगर की शूटिंग के दौरान भी सलमान और कबीर खान के बीच जोरदार नोकझोंक हुई थी। मशहूर निर्माता निर्देशक रमेश सिप्पी आज 68 साल के हो गए हैं। आपको बता दें रमेश सिप्पी ने सीता और गीता, अंदाज, शहनशाह और शोले जैसी बेहतरीन फिल्में फिल्म इंडस्ट्री को दी हैं। निर्देशक दिबाकर बनर्जी की फिल्म डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी का दूसरा ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। इस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत मुख्य किरदार में है। फिल्म में 1940 के दशक के कलकत्ता को दिखाया गया है, जहां एक जासूस मौत की गुत्थी को सुलझाता है।
यशराज बैनर की इस नई फिल्म को लेकर चर्चाएं काफी गर्म है। बताया जा रहा है इस फिल्म में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अचानक गायब होने की गुत्थी भी सुलझेगी। आपको बता दें ये फिल्म बांग्ला लेखक अशरदेन्दु बंदोपाध्याय की रचना पर आधारित है। बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान सिल्वर स्क्रीन पर पाकिस्तानी अभिनेता फवाद खान के साथ रोमांस करती नजर आएंगी। आपको बता दें कि निर्देशक अभिषेक चौबे की फिल्म उड़ता पंजाब में पहले करीना के ऑपोजिट आयुष्मान को रखा गया था। जाने माने उद्योगपति विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या ने अपनी पहली फिल्म को लेकर खुशी जताई है। सिद्धार्थ ने ट्विटर पर लिखा है कि उन्होंने 3 साल पहले फिल्मों में करियर बनाने का फैसला कर लिया था। जानकारी के मुताबिक सिद्धार्थ एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म से अपना सिनेमाई करियर शुरू करेंगे। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल के नाम से मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी एक बार फिर अपनी इज्जत छवि के साथ वापसी करने जा रही हैं। हेमा मालिनी जल्द ही एक म्यूजिक एल्बम में दिखाई देंगी और इसमें अपनी आवाज भी देंगी। सुरखोकिला लता मंगेशकर की मधुर आवाज फिर से फिल्मी गीतों में सुनाई दे सकती है। लता मंगेशकर ने खुद एक वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट कर ये जानकारी दी है। लता दीदी के मुताबिक वो फिर से फिल्मों में गाना गाने पर विचार कर रही हैं। इसके साथ ही लता मंगेशकर ने अपने सभी चाहने वालों को नए साल की शुभकामनाएं भी दी। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे दिन बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा वहीदा रहमान ने हिस्सा लिया। जयपुर के दिगी पैलेस के फ्रंट लॉन में आयोजित इस टॉक शो में वहीदा रहमान ने सिनेमा से जुड़े कई यादगार किस्से सुनाए। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के चाहने वालों की फेहरिस्त लगातार बढ़ती जा रही है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर शाहरुख खान के फॉलोअर्स की संख्या 1.10 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। हाल ही में एक मैगजीन के कवर पर लव जिहाद पर छपी करीना की तस्वीर की वजह से बेबो ने अपनी पर्सनल सिक्योरिटी बढ़ा दी है। करीना की शादी के दौरान भी उनको जान की धमकी मिली थी। अनीस बस्मी 2006 में आई फिल्म आंखें का सीक्वल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। फिल्म में अमिताभ का किरदार वही रहेगा जबकि अर्जुन रामपाल और परेश रावल की जगह अब जॉन इब्राहिम और अनिल कपूर को साइन किया जा रहा है। 1989 में आई फिल्म राम लखन के रीमेक के लिए अभिषेक बच्चन और रणवीर सिंह को लिया जा रहा है। फिल्म में अभिषेक राम और रणवीर सिंह लखन के किरदार निभाएंगे। ये फिल्म करण जौहर और रोहित शेट्टी मिलकर बनाएंगे। इंद्र कुमार की सेक्स कॉमेडी फिल्म ग्रैंड मस्ती के टीवी प्रीमियर की तैयारी की जा रही है लेकिन इस फिल्म को टीवी पर दिखाने से पहले सेंसर बोर्ड ने इसमें तकरीबन 218 कट लगाने की मांग की है। लारा दत्ता जल्द ही अपनी आने वाली फिल्म अभी नहीं तो कभी नहीं में के मेनन के साथ रोमांस करती नजर आएंगी। खबरों की माने तो इस फिल्म को उनके पति महेश भूपति ही प्रोड्यूस करेंगे। सोहा अली खान ने अपनी फिल्म घायल 2 की शूटिंग के चलते अपना हनीमून कैंसिल कर दिया है। सोहा और कुणाल इसी महीने 25 तारीख को शादी कर रहे हैं। दोनों ने हनीमून के लिए यूरोप जाने का मन बनाया है। अनुराग कश्यप की फिल्म बॉम्बे वेलवेट के लिए विक्रमादित्य मोटवानी रणबीर कपूर के साथ एक वीडियो शूट करने वाले थे लेकिन अपनी फिल्म भावेश जोशी शुरू होने के चक्कर में उनको इस वीडियो का प्लान ड्रॉप करना पड़ा। अभिनेता रोहित रॉय जल्द ही टीवी पर एक क्राइम शो को होस्ट करते हुए दिखाई देंगे। रोहित इससे पहले झलक दिखलाजा और द बैचलरेट इंडिया मेरे ख्यालों की मलिका जैसे टीवी शो को होस्ट कर चुके हैं। चलिए फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ सारा देश 100 खबरों में बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आप देख सकते हैं सारा देश 50।